नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर मध्य प्रदेश से। नजीराबाद में किसान खेत पाठशाला अभियान प्रारंभ। मंगलवार को कलेक्टर लवानिया ने खेत पाठशाला प्रारंभ को संबोधित करते हुए कहा है कि किसान इस देश का अन्नदाता है, वह जो सोच ले तो उसे पूरा करके ही रहता है। उन्होंने कहा किसानों के हित के लिए जिला प्रशासन द्वारा तहसील स्तर पर समूह का गठन भी किया जाएगा, जिसमें किसानों को नरवाई के बेहतर उपयोग के लिए सलाह और मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमृतलाल सेन के साथ संवाददाता रामबाबू मीणा, भोपाल, मध्य प्रदेश। पाठशाला जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सभी किसान भाइयों के साथ बैठ के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, वो और उसी गांव के जो उन्नत कृषक हैं जो कि हॉर्टिकल्चर की क्रॉप ले रहे हैं, धनिया लगा रहे हैं और इस प्रकार से उसी जगह में उतने ही खेत में ज़्यादा आय ले रहे हैं, उन सबके बीच परस्पर एक चर्चा हो सके, समझाइश दी जा सके कि कैसे बाकी किसान भी अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं और इसको करते हुए कुछ सकारात्मक परिणाम हम लोग निकाल के लाएं, जिसमें कि किसान केवल पारंपरिक जो फसल लेता है उसके अलावा भी कुछ कार्य अपने खेतों में करे, जिससे कि उसकी आय में प्रक्रिया चलती रहती है और फिर अधिकारी बोलते हैं इसमें देखिए होता क्या है कि किसी भी स्कीम के कुछ निर्धारित लक्ष्य रहते हैं, कुछ निर्धारित मानदंड रहते हैं, तो उसके आधार पर जो भी आवेदन वगैरह होते हैं उसमें कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। और आगे भी देखिए, अब समय ये आ गया है कि हर किसान हर चीज़ अपनी पर्सनल रखने की बजाय छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके, जैसे उदाहरण के लिए रोटावेटर है तो हर एक को अपना रखने की बजाय जाहिर सी बात है कि यदि एक भी है तो सभी लोगों के खेतों में चलाते हुए उसको उपयोग किया जा सकता है। तो जब तक हम उस पद्धति पर नहीं जाएंगे जहाँ कोई भी मशीन है वो या तो किराए पे लेकर या एक ही व्यक्ति के द्वारा लेकर के पूरे गांव में उपयोग की जाए, तब तक हम खेती को उन्नत बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अब हम लोगों को उस पद्धति पे जाना पड़ेगा। प्रीमियर कटने का मतलब ये नहीं होता कि हर साल राशि मिले। प्रीमियर कटने का मतलब ये होता है कि जिस साल नुकसानी होगी, आपकी जो फसल है उसके उतनी उपज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, तब बीमा की राशि मिलती है। अब फसल कटाई प्रयोग में यदि किसी को कोई संशय है तो हमने आज भी ये तय किया है कि कल कुछ लोगों की मौजूदगी में कुछ फसल कटाई के प्रयोग यहाँ सबके समक्ष किए जाएंगे, जिससे कि कितनी फसल निकल के आ रही है सबको स्पष्ट हो जाए। यदि उसमें किसी प्रकार की नुकसानी होगी तो मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर सकता हूँ कि उसमें फसल बीमा की राशि अवश्य किसानों को मिलेगी। ग्राम सेवक के द्वारा नहीं सोचे हम, इस समस्या के निराकरण के लिए ही ये जो खेत पाठशाला है इसका आयोजन किया गया है, जिससे कि सभी कृषक साथ बैठ के चर्चा कर सके। यदि किसी की कोई भी ऐसी आवश्यकता है तो वो भी इन खेत पाठशाला के जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं इनके माध्यम से हमारी जानकारी में अवश्य आएगी और हम उसका निराकरण करेंगे। लेकिन देर से बुलाया जाता है किसानों।